Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Guru Maharaj ki, Jai. तो श्रीमद् भागवत की महात्म्य में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नारद मुनि ने चतुष्कुमार को पूछा, हे महाराज, भक्त ने भगवान की भक्ति करके भक्ति लाभ करता है, अर्थात भगवान की भागवत कथा जो है भक्त लोग श्रवण करके भक्ति लाभ करते हैं, ज्ञानी लोग श्रवण करके मोक्ष लाभ करते हैं, पर ऐसा कोई पापी है क्या जो कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करके मुक्ति लाभ किया है? और सनत कुमार ने कहा है, जो व्यक्ति जीवन में कोई भी सत्संग नहीं किया, सभी तरह पाप किया है और पाप करते 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 मर भी गया है, अगर मरने के बाद भी कई शरीर धारण करने के लिए उनका भी क्षमता नहीं रहा, इतना पाप कर्म किया है, और कोई भूत प्रेत अथवा पिचासी बन भी जाता है, पर ऐसे शरीर धारण नहीं करने वाले आत्माओं के लिए भी अगर कई श्रीमद् भागवत की कथा करके उसका फल को उसको अर्पण किया जाए तो वो भी मुक्ति लाभ करता है। ये नारद, ये हमारी मन की बात नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो इसके लिए, इसका प्रमाण के लिए हम एक आपको पौराणिक कहानी सुना रहे हैं, एक इतिहास सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। यहां तक हमने श्रवण किया था। तो कहानी शुरुआत करते हैं, चतुष्कुमार कहते हैं, हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी कोल पर उत्तम नगर नाम की एक नगरी थी। वही नगर पर आत्मदेव नाम का एक विचक्षण ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव शब्द का अर्थ क्या है? आत्मदेव शब्द का अर्थ है जो आत्मा में देवत्व को दर्शन करता है, अर्थात अत्यंत सदाचारी है, नीत वही है, कर्मकांड में अत्यंत प्रवीण है, ऐसे एक ब्राह्मण रहता था। पर उसका पत्नी जो है संपूर्ण विपरीत था।
नाम जैसा अद्भुत है उसका कर्म भी ऐसा अद्भुत है। नाम तो है कि धुंधली देवी, क्या है धुंधली देवी, जथा नाम तथा गुण, आत्मदेन ने सुबह सुबह कर्मकांड के लिए निकल जाते हैं यजमान का घर और रात में वापस आते हैं, पर सारे दिन वो जो धुंधली देवी है उनका पत्नी वो पड़ोसी के साथ हर समय झगड़ा करता रहता है, कर्कशभाषी है और कभी कभी हाथाहाथी भी हो जाता है। पर स्वामी जब आपस आते हैं तो उनको इतना ढंग से स्वागत करता है, इतना ढंग से स्वागत करता है, इतना मीठी भाषा कहता है कि लगता है कि सती अनुसया जैसा। तो बंगाल में कहता है अति भक्ति चोर लक्षण हर आरो, किंतु ऐसे व्यवहार भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान को तो सच्चा मन को चाहिए, अच्छा मन वाले चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पाया, मोहि कपट छल छिद्र नो भाया। भगवान को एक सच्चा मन चाहिए, निर्मल मन चाहिए, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाया, जिसका मन निर्मल है ओ ही केवल मुझको प्राप्त करता है। तो इसलिए मन को सरल करना है, निर्मल करना है, अंतकरण को शुद्ध करना है। पर धुंधली देवी, धुंधली देवी का मन तो सरल नहीं था और अंतर भी पवित्र नहीं था, पर स्वामी के सामने इतना सुंदर व्यवहार करती थी, स्वामी ने उनके प्रति बहुत आकर्षित थे। ऐसे ही पति पत्नी किसी तरह संसार कटाते थे, कोई भी दुख नहीं था, आत्मदेव का धन की कमी नहीं था, ऐसे दोनों का बीच में भी कोई संबंध खराब नहीं था, एक ही पड़ोसी के साथ व्यवहार करता था पत्नी धुंधली देवी ने खराब व्यवहार करता था, पर पति का साथ कोई भी धुंधली ने धुंधका दी मैंने क्या कोई भी द्वंद नहीं था, पर एक ही कमी था दोनों के बीच में, उनका घर में कोई संतान नहीं था। तो जो संतान नहीं नी संतान था निसंतान के कारण पर क्या होता है ना, उनका घर पर जो तुलसी देवी था, तुलसी देवी तुलसी महारानी था, ये सूख जाता था, उनका कोई पत्र नहीं होता था। इसे हर हिंदू के घर में तुलसी देवी रहना चाहिए, ये हिंदू का पहचान है। जिसका घर हिंदू होते हुए भी तुलसी देवी नहीं है, अर्थात वहां पर भगवान कृष्ण नहीं है, तो ये घर को हिंदू का घर माना नहीं जाता। इसलिए हिंदू का घर का पहचान है कि तुलसी देवी रखना। और घर में तो गायें भी थी और गाय भी दूध नहीं देती थी,
इसे हमारे यहाँ पर कहते हैं, उड़ीसा में कहते हैं, जो जिसका पुत्र संतान नहीं होता वो अगर मंदिर में जाता है तो भगवान भी दिखाई नहीं देते, उसे बहुत अशुभ माना जाता है। तो ये आत्मदेव और धुंधली का, धुंधली देवी का भी पुत्र संतान नहीं था, इसलिए सब कुछ हो रहा था। तो पड़ोसी लोगों ने उनका बहुत उपवास भी करते थे निसंतान कहकर, पुत्र संतान नहीं है इसलिए पितरों लोग भी खुश नहीं रहते हैं, देवता लोग भी खुश नहीं रहते। ऐसे ऐसे पड़ोसी लोगों ने उनका मन में भ्रम डाल दिए, ऐसा भ्रमित कर दिए कि आत्मदेव का जो मानसिक अवस्था को विचलित कर दिए, हर समय उदास उदास में रहते हैं और हर समय चिंता करते करते एक दिन बात ऐसा आया कि घर छोड़कर चले गए। वो जंगल में गया भी तो ही कर्म कर सोच रहा था, मैंने कितना पाप किया कितना पाप किया, पुत्र नहीं होता है और इसके लिए देवता लोग भी खुश नहीं है, पितृपुरुष भी खुश नहीं है, गैया दूध भी नहीं देती, वहां पे भी यही चिंता करने लगा और चिंता करते 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 क्रंदन भी करने लगा। ऐसा क्रंदन करते करते 5 दिन बीत गया। तो 5वां दिन में एक साधु वहां से जा रहे थे, उन्होंने आत्मदेव को रोते हुए देखा और उनका पास आकर बोला, हे विप्रा, आप तो लगते हो कि एक ब्राह्मण है, पर आप रो रहे हैं क्यों? कथम रुदस्यसि विप्रा त्वं काति चिंता बलियसि वदत्वं सत्वरम महम सदुखस्य कारण। तो आपका दुख का क्या कारण है? आपको देखकर लगता है कि आप एक आत्मतत्वज्ञ व्यक्ति है, ब्राह्मण है, पर आपका दुख का क्या कारण है? क्यों रो रहे हो मुझे बताओ। तो आत्मदेव ने ये साधु का चरण पर प्रणति निवेदन किया और कहने लगा, हे महात्मा, मैं क्या कहूँ, मेरा पाप इतना भारी है, उसी का फल को मैं भोग रहा हूं। मेरे ऊपर देवता लोगों ने, पितृ लोगों ने कोई भी संतुष्ट नहीं है। घर में गाय है तो भी दूध नहीं देती, घर में तुलसी की पौधा है तो उसमें पत्ता भी सूख जाती, क्योंकि मैं निसंतान हूं, मेरा कोई पुत्र संतान नहीं है। तो इसलिए ये जीवन धारण करके क्या फायदा है? इससे तो अच्छा है कि आत्महत्या कर लेना। जो जैसे ऐसे बात कहा आत्मदेव ने, साधु ने कहा, ये क्या बातें करते हो, ये अज्ञानता का कारण है। मानो कि तुम्हारा घर पर संतान नहीं है तो ये बहुत अच्छा है, क्यों? ये भगवान का कृपा है। अगर है तो ये भी कृपा है भगवान की। अरे पुत्र है और नहीं है इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर पुत्र नहीं है तो ये थोड़ा मन कष्ट होगा, उसका बाद वो अपना आपने सोचने लग जाएंगे कि क्या, चलो मेरे भाग्य में नहीं है तो क्या करूं। और किसी का पुत्र है और मर जाता है थोड़े दिन के बाद, तो वो 2-4 महीना 2-4 साल रोएगा, बाद में सोच लेगा चलो मर गया तो मर गया, क्या करना है। पर जिसका पुत्र है, अगर वो कुपुत्र हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, तो सारा जीवन रोना ही पड़ता है, तब तो सारा जीवन रोना ही पड़ता है, तड़पना ही पड़ता है। अगर आपको पुत्र की कामना है तो भगवान नंदन गोपाल को पुत्र बनाओ। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी, संसार बड़ा विचित्र है। ये संसार में
बहुत कम पुत्र होते हैं जो कि पिता माता को मानते हैं, उनका आज्ञाधीन है। ज्यादा से ज्यादा तो उश्रृंखलित है, तो इसलिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को ही पुत्र रूप से मानो, उनका सेवा करो, क्योंकि ये संसार की जो ममता है ये बंधन का कारण है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव शैव संदात्मा बुधै प्रेमा निगद्वते। जो ममता हम संसार के लिए करते हैं, अगर यही ममता हम कृष्ण के चरण में करेंगे तो हमारी परम कल्याण साधित हो जाएगा। पर पंडित जी माया में रह रहे थे, इसलिए मायावादी जो माया में डूबते हैं उनको साधु संघ, साधु का बात, साधु संघ का अच्छा नहीं लगेगा, साधु का परामर्श उनको विरक्त लगेगा। जैसे कोई बीमार में रहा है और उसको दवाई दिया जाए तो उसको तीखा लगेगा, नहीं खाएगा। डॉक्टर ने जो खाने को मना किया उसको ही खाने दौड़ेगा, जो खाने को कहा है वो नहीं खाएगा। माया में रहने वाले व्यक्ति यही है। अगर कोई उसको माया की दुख की यंत्रणा के बारे में जानकारी दिया जाए तो उसको बुरा लगेगा। उसको ज्यादा से ज्यादा माया ही भरा भरा दो तो आनंदित रहेगा। ये एक शादी किया तो एक पत्नी से तंग हो रहा है तो उसको अगर समझाओ तो वो नहीं समझेगा। उसको दो तीन शादी करा दो तो वो खुश में रहेगा। उसको लेकर डेली तीन पत्नियां तीन झाड़ू लेकर उसको मारेंगे फिर भी आनंद में रहेगा। यही है माया का करसादी है, यही समस्या है। साधु का उपदेश को समझने की माया में डूबने वाले विषयी जीव ने चाहता ही नहीं है, और उल्टी साधु संत को गालियां भी करते हैं, उनको ज्ञान देने लग जाते हैं। साधु इतना सुंदर समझाया कि आप माया से निकलकर आओ, अगर ममता करना है कृष्ण के चरण पर ममता करो, पर आत्मदेव ने उल्टी ज्ञान लगाई महात्मा का, कहने लगा यही तो समस्या है। महात्माओं का यही समस्या है, उनके सामने पर थोड़ा मन की बात कह दो तो उन लोग ने वेद वेदांत कहने लग जाएंगे। हे महात्मा मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, तो आपका भाग्य में तो पुत्र नहीं है क्या? हाँ, मैंने आपका भाग्य का रेखा को पढ़ लिया, एक जन्म नहीं है, सात जन्म तक आपका पुत्र संतान नहीं होगा। पर आप तो महात्मा है, महात्मा अगर चाहते तो सब कुछ हो सकता है, वो चाहते तो भाग्य भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कृपा करके मुझे पुत्र की वरदान दे दो, मुझे पुत्र की वरदान दे दो, अगर नहीं है तो मैं आपका चरण पर ही मथा पीट पीट कर, सिर पीट पीट कर आत्महत्या कर लेगा, और ये दंड आपको मिलेगा क्योंकि आपका वजह मैंने आत्महत्या कर रहा हूं। साधु समझ गई तो माया में डूबा हुआ है, उसको कोई ज्ञान काम नहीं करेगा, तो उसका मन में दया आ गया तो एक फल देकर कहा ले जाओ पत्नी को खिला देना। वो बहुत कुछ नियम बताया, ये नियम को पालन करना निश्चित रूप से एक सुंदर सा पुत्र होगा। बहुत खुश हो गया आत्मदेव, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा सुन रहे हो क्या, अभी तो हम पिता माता बन जाएंगे, ये फल ले लो खा लो। पर आत्मदेव की पत्नी तो बिल्कुल अलग स्वभाव की था, वो जो नियम कानून बताया है वो सुनकर कहा अरे बाबा ये क्या नियम कानून है, इतना नियम कानून माननी पड़ेगी, ओ मैं जानता हूं ये गर्भ की यंत्रणा क्या कष्ट है, ये सब मेरे से नहीं होगा। और ये जाकर एक बांधवी को ये सब बात बताने लगा। वो बांधवी का छह पुत्र संतान था और गर्भ में एक था,
तो उनका हाथ को पकड़ करके कहा है बांधवी, तेरी तो 6 पुत्र है, फिर पुत्र संतान देने जा रहे हो, तो ये अगले जो पुत्र होगा ये मुझे दे देना, और इसके बदले मेरा पति का जितना धन है मैं तुझे देने लगी, तुझे दे देगी। तो बांधवी ने लालची था और ठीक है मैं दे देगा, उसके बदले मुझे धन दे देना। और बांधवी से ये बात करके फल को परीक्षा करने के लिए फल को एक गाय को खिला दिया और खुद गर्भ धारण करने की बहाना करने लगी। ठीक समय पर बांधवी का भी पुत्र हुआ और उनको अला के धुंधली देवी को दे दिया, और धुंधली देवी ने उनको अपना पुत्र कहकर पति को बहुत खुश किया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। ठीक समय पर फल खाया हुआ गाय ने भी एक सुंदर सा पुत्र जन्म दिया। आत्मदेव बहुत खुश हो गया। एक नहीं दो दो पुत्र है, और गाय ने भी जो पुत्र संतान दिया है ये देखने को बिल्कुल मनुष्य जैसा है, पर केवल उसका कर्ण गाय का था, तो इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण गाय जैसा कर्ण है, इसके लिए इसका नाम रहा गोकर्ण, पर वो साधु का दिया हुआ पुत्र संतान है। और अपना जो पुत्र हुआ, अपना पुत्र तो नहीं हुआ, पर धुंधली ने जो बांधवी का पुत्र लेकर आया उसका नाम रखने जा रहा था जी, पर उसी समय पत्नी ने कहा, धुंधकाली ने कहा, वाह 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 वाह, गर्भ धारण मैंने करेगी और नाम रखेगा तुम, ये नहीं हो सकता, इसका नाम तो मैं रखेगा। ठीक है रख लो, इसका नाम होगा द्वंद्वकारी, मेरा नाम जैसा है इसी का हिसाब से नाम पड़ेगा। क्या रख दिया? द्वंद्वकारी। पर क्या हुआ? गोकर्ण पंडित ज्ञानी द्वंद्वकारी महाखलो, साधु के दिए गए फल से जो पुत्र संतान हुआ, जो गाय ने जो संतान दिया, वो हुआ कैसा? महापंडित महाज्ञानी है, साधु का कृपा है ना। पर द्वंद्वकारी जो संतान बांधवी से लाया था वो कैसा हुआ? धुंधली देवी जो लाया, जो नाम रखा गया कि द्वंद्वकारी, वो कैसा है? महाखलु। द्वंद्वकारी अत्यंत दुष्ट स्वभाव का हो गया। शास्त्र कहता है पुत्र एक है पर गुणवान होना चाहिए, जैसे आकाश में करोड़ों करोड़ों तारका रहते हैं पर कोई काम का नहीं है, पर एक चंद्रमा सारा अंधकार को दूरीभूत करता है ना। ऐसे एक संतान होना चाहिए जिसे सारे खानदान को जस फैलाएगा खानदान में। पर द्वंद्वकारी पहले से ही बिगड़ गया था, तो इसलिए बच्चों को पहले से ही उनको आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहिए, नैतिक शिक्षा देना चाहिए। पर एकलाता ही पुत्र था, इसलिए पहले से बहुत स्नेह श्रद्धा से बढ़ा, तो पहले से वो बिगड़ गया। ताश खेलने शुरू किया, धीरे धीरे जुआ मद अफीम जितना कुछ खराब कर्म है सब कुछ करने लगा। जुआ में हार गया तो माँ को पैसा मांगा, माँ ने तो पहले पहले दे दिया, पर धीरे धीरे वो जब देने बंद किया तो माँ को पिटाई किया, धीरे धीरे सोना चांदी आदि शुरू लेने भी शुरू कर दिया। घर में जो कुछ मूल्यवान वस्तु था सब कुछ ले लिया। अब तक घर में कुछ भी नहीं है तो बाहर से चोरी करने लगा, चोरी करने से पकड़ा भी गया, पिटाई भी खाया, बदलज्जित भी हुआ, तो इसलिए फिर पीने शुरू किया। हाँ?
जो कोई लज्जा अपमानित हो जाता है उसमें सोचता कि पी लेगा तो थोड़ा मेरे को आनंद मिल जाएगा, तो पी ही लेता है। और पीते 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 इतना पिया कि रात को घर में लेट में आया। आत्मदेव ने कहा, अरे कुलांगार तू क्या करते हो, मेरा स्वर्ग जैसा घर को नरक बना के रख दिया, नरक बना के रख दिया। पिता को कहने लगा, ए बुड्ढा तू चुप रहो, मैं जो कुछ करता है ठीक करता हूं, ये आधुनिक युग है, इस युग में थोड़ा बहुत ऐसा नहीं करेगा तो कौन पूछेगा, कोई पूछेगा नहीं। आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ, रोने लगा, कहने लगा, हे भगवान इसी कुलांगार से तो मैं अच्छा था कि मेरा पुत्र नहीं था। देखो साधु ने तब कहा था तो नहीं समझा, अभी खुद ही कहने लगा कि पुत्र अगर नहीं होता तो अच्छा होता, है ना। यही विषय जी का हाल है। साधु संत जब उपदेश करेंगे ठुकराएंगे, रे बाबा आप ये तो मानो, ये मानो, मैं जो कह रहा हूं मानो, मुझे फॉलो मत कर, नहीं नहीं मुझे तो आपसे भी पहले करना है, कहते हैं। पर अंतर में नहीं समझते तत्व को, पर दिखाने के लिए करते हैं। तो ऐसे हर दिन हर रात रोते रोते एक दिन रोते अवस्था में गोकर्ण ने उनको देख लिया और आके कहने लगा, पिताजी आपका क्या समस्या है, आप रो रहे हो क्यों। आत्मदेव ने कहा, पुत्र मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा घर अभी नरक बन गया, घर में रहना अभी संभव नहीं है, पर इतना विरक्त भी नहीं है कि मैं घर छोड़कर चले जाऊं। तो गोकर्ण महाराज ने खूब सुंदर उपदेश किया, क्या कहा, देहस्ति मांस रुधिरई अभिमति तेज्यतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचम पश्चानीशम जगदीदम क्षणभंगनिष्टम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। कहा, बहुत सुंदर ज्ञान, ध्यान से सुनना, पिताजी पहले ये शरीर के लिए जो अभिमान है, देह अस्थिमांस रोधी रही अभिमति तेज्यतम, ये अस्थिमांस से बने गए शरीर के लिए जो अभिमति है, जो अभिमान है, उसको पहले त्याग करो। मैं शरीर हूं, पहले इसको त्याग करो। ये शरीर को पंडित कहो, संत कहो, ज्ञानी कहो, कुछ भी कहो, इस शरीर का गति तीन प्रकार होता है। शरीर को जला दो तो छाई बन जाता है, फेंक दो तो सियाल कुकुर खा लेता है, और गाढ़ा खोल के पूत दो, मिट्टी का नीचे कर दो तो पुक्का बन जाता है। शरीर को इतना ध्यान देने से क्या होगा, तो इसलिए ये सच्चाई को समझो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का मृत्यु नहीं है कि जन्म नहीं है, उसको ना जला जाता है, ना कटा जाता है, ना पुड़ा जाता है, ना बहा जाता है, कुछ नहीं होता, नहीं ना शस्त्रांति, नहीं ना छिंदंति शस्त्राणि, नहीं ना दहति पावका, न च क्लेदयति पुनः सुसयति मारुता। तो आइए सच्चाई को समझा करो। तो जब कोई समझ जाएगा जो मैं शरीर नहीं हूं, तो जब शरीर नहीं है तो शरीर संबंधित जो आत्मीय सजन पिता माता है ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। क्यों, कहीं मर जाने के बाद उसका पिता माता चिट्ठी लिखते हैं क्या, बेटा कैसा हो, कभी फोन करके पूछते हो क्या, बेटी तेरे को तो मैं देखकर दिया था पर वहां कोई समस्या नहीं हो रही ना,
कोई तेरा पति ने तुझे अच्छी तरह देखता है ना, तेरा बेटा तेरे को मानता है ना, ना तंग करता है, कोई पूछा है कभी? पूछा है? पूछा है क्या तेरा बिजनेस अच्छा चलता है क्या? तो इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, और ये मेरे संबंधित जो आत्मीय सज्जन बंधु बांधव है ये भी मेरा नहीं है। ये एक जीवन यात्रा है, जीवन का नाटक है। और ये जीवन को हम धर्म मानकर जस कमाते हैं, पैसा पत्र कमाते हैं और स्त्री पुत्र परिवार को रखते हैं और पैसा पत्र कमा करके उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर यही पुत्र परिजन, यही आत्म स्वजन ही हमारी बंधन की कारण है। क्योंकि आत्मा का संबंध केवल परमात्मा का साथ है, पर सोचेगा तो चलो हम घर छोड़ के घर जंगल चले जाएं, अरे जंगल चले जाने से क्या भगवान मिल जाएंगे क्या? इस जंगल में तो बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, क्या सारे भगवान को मिल गए, प्राप्त कर लिए क्या? नहीं। इसलिए मन को संयत करो, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन से अगर हम विषय से दूर रहें तो हम सुख में रहें, शांति में रहें, और मन अगर विषय से धावित होता है तो जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं। ध्यायत विषयान पुंस संगते सोपजायते, संगात संजायते कामा कामा क्रोधाद भवति, क्रोधाद भवति सम्मोहम सम्मोहम सुति विभ्रमम, सुति भुंसद बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यन्ति। जब ये मन विषय की तरफ आसक्त होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, न विषय संग करने के लिए मन दौड़ेगा, विषय संग से मन कामना आएगा, मन में काम आएगा, काम का पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध से समूह आएगा, समूह तो इस बुद्धि नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ये जो विषय के प्रति जो ममता है उसको त्याग करना चाहिए। पर ये जन्म जन्म से हम विषय को भूल, कृष्ण को भूल कर विषय के प्रति आकृष्ट हुए हैं, इसलिए हमारे मन में अभी गंदगी भर गया है, गंदगी फैल गया है। तो ये हमारी चेत रूप दर्पण अभी गंदगी भर गया है, जिसे एक हंस का बच्चा था पर खेलते खेलते एक कीचड़ में गिर गया, सारे शरीर पर कीचड़ लग गया, पूरा काला काला रंग बन गया। हंस का रंग तो पूरा सफेद होता है पर कीचड़ लगकर उसको रंग बेरंग हो गया, और कावा का बच्चा भी जैसे देखने को उनको ऐसे भी देखने लगा, वो कावा का साथ रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, मानस सरोवर से हंस ने देखा कि कावा का साथ हमारी बच्चे रहा है, तो उनको लेने के लिए आए तो हंस को देखकर कावा ने उड़ने लगा, तो ये हंस का बच्चा जो था वो भी उड़ने लगा। मानस सरोवर से आयु हंस ने उसको पकड़ लिया, हे तू कहाँ जा रहे हो, तू तो हमारे बच्चा है। नहीं नहीं महाराज, मैं तो उनका ही बच्चा हूँ, देखो ना मेरा रंग कैसा है उसका। अच्छा, मानस सरोवर से आयु हंस ने समझ लिया मेरा हमारे बच्चा ने पूरा विषय में डूब गया है, अपना शरीर को भी भूल गया
अपना अस्तित्व अपना स्वरूप को भी भूल गया है, तो उसको पकड़ कर लेके पानी में डुबकी लगाए हैं और उसके शरीर में लगे गए कीचड़ सब धो गया है, पूरा सफेद बन गया। अभी उनको पूछा क्या है, हाँ हाँ मैं तो आपका ही बच्चा हूं। ऐसे ही कृष्ण भलि जय जीव अनादि बहिर्मुख अतय माय तरे दाय संसार दुख, जन्म जन्मांतर से हम कृष्ण को भूल गए इसलिए हमको ये संसार के दुख मिला है, और संसार में रहते रहते बार बार जन्म मृत्यु में घूमते घूमते हम इतना संसारी इतना विषय हो गए कि हम अपना स्वरूप को भूल गए। पर जो कई सदगुरु की कृपा हो जाए, कई संत का कृपा हो जाए, तो ये हमको पकड़ पकड़ के उनका ज्ञान रूपी पानी में हमको धुला धुला कर सफेद कर देंगे, हमारी अस्तित्व को हम फिर समझ में आ जाएगा, हम फिर परमेश्वर भगवान की जय अविनेश्वरी का शक्ति है, हम जब उनका अंग से हम समझ जाएंगे तो हमारी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओ तेरी बड़ी भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन जागरे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, काका से तुए हंस करेंगे, काका से तुए हंस करेंगे, मिट जाए और दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो सत्संग करने से क्या होगा ना, जो जन्म जन्मांतर की विषय हमारी हृदय में जमट बांध गया है वो धो जाएगा, मिट जाएगा, जो विषय की दाग हमारे शरीर पर लगे हुए हैं वो मिट जाएगा, मिट जाएगा। हाँ, मोहि निशाने बहुत दिन सोई रे, मोहि निशाने बहुत दिन सोई रे, जाग सकतो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो इसलिए ये माया रूपी महिनी में माया रूपी महिनी में हमको डूब के रखा है, अगर कहीं सत्संग करके अपना शरीर को जगा सकता है, अपना स्वरूप को जगा सकता है तो बहुत अच्छा है। इसलिए जग जाओ, इसलिए जग जाओ। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जी भी जागो जी भी जागो, जी भी जागो जी भी जागो, गोरा चांद बोले। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप नदिया में अवतरण हुए और होके हरिनाम संकीर्तन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे नगर कीर्तन करते हुए सबको जगाते हैं। ज्ञान रूपी भी जो क्या ज्ञान रूपी जो अस्त्र से हमारी भ्रम को कटते हैं, इसलिए कहते हैं जीव जागो। कितना दिन सो रहे हो माया में, महीने में कितना दिन सो रहे हो, जग जाओ, अभी अपना स्वरूप को पहचानो कि हम आत्मा है, भगवान की अंशाति अंश है और हम भगवान की सेवा करना ही हमारे कर्तव्य कर्म है।
इसको समझो, फालतू विषय में मत डूबो, समय को बर्बाद मत करो, जग जाओ। ओ सभी माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। जीवी जाग जीवी जाग गोरा चांद बोले। ये जो माया हमारे बीच में हमारे हृदय को गंदगी कर दिया है, उसको हटाने के लिए केवल एक औषध है, क्या है? हरि नाम महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गो करने कह रहा है पिताश्री, इसलिए आप अपना स्वरूप को समझो, विषय में मत फंसो, विषय से निकलकर आ जाओ, परमेश्वर भगवान की भजन करो। और गोकर्ण से इसे सुंदर आत्मज्ञान लाभ कर आत्मदेव ने भजन करने के लिए गृह त्याग कर दिया। आज जंगल में बैठ करके भगवान की श्री चरण कमल को ध्यान करने लगा और अंत में भगवत प्राप्ति कर लिया। तो आत्मदेव जब चला गया, द्वंदकारी को बहुत खुशी हुआ। अरे हर दिन ऐसे कहता था, ये करो ये करो, ये मत करो ये मत करो, चला गया, अच्छा हुआ। माँ को सोना चांदी मांगने लगा, पैसा मांगने लगा, माँ ने मना किया तो उसको पिटाई किया। हाँ, माँ को भी बहुत कष्ट हुआ, मन में विचार किया, निपुत्र था, अच्छा था, पुत्र रहकर क्या फायदा हुआ, देखो कैसा हाल है संसारी, संसारी को क्या हाल है, देखो पुत्र के लिए रो रहे थे, अभी पुत्र हो गया तो पुत्र के लिए भी रो रहे हैं, पुत्र नहीं था तो रो रहे थे, पुत्र हो गया तो फिर भी रो रहे हैं, क्योंकि यही है माया। और ऐसा हाल हुआ एक रात्रि में घर का पास जो कुआं था, वो कुआं को छलांग लगाया और आत्महत्या कर लिया। देखो, पुत्र से परेशान होकर पिताश्री ने, आत्मदेव ने घर छोड़कर चला गया और भगवान को भजन किया, अंत में भगवान के चरण कमल को लाभ किया। पर द्वंदकारी ने पुत्र से परेशान हुआ, घर से निकल के गया, पास में कुआं था, उसमें छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? दोनों तो परेशान थे, एक भगवान को चरण कमल को प्राप्त कर लिया, एक को मैं छलांग लगाकर आत्महत्या किया। क्यों? क्योंकि वो सत्संग किया था, आत्मदेव ने सत्संग किया था, तो इसलिए वो सत्संग को महात्मा को समझ गया। पर द्वंदकारी ने सत्संग नहीं किया, ऐसे क्या, धुंधली देवी ने सत्संग नहीं किया, इसलिए वो समझ नहीं पाया संकट में हमको क्या करना चाहिए। इसे संसार दावा नल है, संसार में पल पल हमारे ऊपर विपद आता रहता है, दुख कष्ट आता रहता है, पर ये दुख कष्ट से मुक्ति लाभ करने के लिए एकमात्र रास्ता है सत्संग। सत्संग से ही हमको केवल ज्ञान प्राप्त होगा कैसे हमारे ऊपर आए हुए समस्याओं की समाधान करें। इसलिए हर पल सत्संग करना चाहिए, अगर सत्संग नहीं करेंगे तो धुंधली देवी का अवस्था जैसा हुआ, हमारी अवस्था भी ऐसा होगा। पर धुंधली देवी मरने के बाद अभी द्वंदकारी तो पूरा साम्राज्य का सम्राट बन गया, घर में पांच पांच वेश्याओं को लाकर रखा, कुत्सित कर्म करने लगा, उसके लिए उसको दंड भी मिला, राजा ने उनको दंड भी दिया। एक दिन की बात है, वेश्या ने सोचा ये अभी द्वंदकारी राजा का नजर में आ गया है, थोड़े दिन में उनको पकड़ा जाएगा, फिर हमको भी पकड़ा जाएगा, तो इसलिए अच्छा होगा कि उसको ठिकाना पर पहुंचा देना है। तो रात्रि में सोने के अवस्था में पांच पांच गणिका ने मिल करके
उसको बांध लिए और उसका मुंह में जलती हुई लक्कड़ को डाल दिए और मार दिए और गड्ढा खोल के उसको गाड़ दिया। और घर में जितना भी पैसा पत्र था, रुपया था और सोना था, चांदी था, जो कुछ था, लेके भागे। पर जो अपमृत्यु हुआ है, इसलिए दंडकारी ने एक महाप्रेत बन गया, बनकर वही घर में रहने लगा। और ये बात जो गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण ने गया में जाकर उनको श्राप शांति कराया, जैसे अभी भी सभी करते हैं, गया में जाकर श्राप शांति करते हैं। है? और इसे गोकर्ण ने तीर्थ करते 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 एक बार अपना गांव में आ गए। वो मध्यरात्रि का समय था, मन में विचार किया, रात्रि में सारे गांव का लोग सो रहे हैं, उनसे मिलना ठीक नहीं होगा, रात्रि में यहीं पर रुक जाऊंगा और सुबह उठ के उनके मिलेंगे। और रात्रि में अपना घर में बैठ के भजन करने लगा, क्योंकि भजन का यही समय है। कहा जानी सर्व भूतानम तस्य जागृति संयमी, सारा संसार जब निद्रा में डूब जाता है, सारा संसार जब माया का गुद में सो जाता है, तब संयमी पुरुष ने परमात्मा का चिंतन में लग जाता है, है? इसलिए गोकर्ण ने रात में भगवान को भजन करने शुरू किया। जो भगवान को भजन करने शुरू किया, वो भिन्न भिन्न शब्द सुनने लगा और शुभ छाया दर्शन करने लगा। अरे गोकर्ण ने सोचा, अरे ये क्या है, पंडित का घर में ये सब क्या है? तो कमंडोल से जल लिया और उसको ऊपर छिटक लगा दिया, जैसे वो छाया खड़ा हो गया। उनको पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों डराते हो, तुम्हारा परिचय क्या है? छाया ने कहा, क्या? अहं भ्रत्वा तदियस्मि दंडकारी नामसाम सकीया नैव दुषेणम ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, मैं आपका भ्राता दंडकारी हूं, पर अपना द्वारा किए गए कर्म से मैंने मेरे ब्रह्मत्व को खो बैठा है। अच्छा, अरे मैं पता है तुझे, जो मरने के बाद तो मैंने तेरे को संतुष्टि के लिए मैं तो गया में श्राप शांति कराया था, पर तू प्रेत कैसे बन गया? दंडकार ने कहा, भैया मेरा इतना गहित पाप है, इतना गाढ़ पाप है, गया में एक बार किया, जब 100 बार भी श्राद्ध किया जाए तो मेरे को मुक्ति का कई कई प्रश्न नहीं उठता है। गोकर्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। प्रातकाल हुआ, सभी ग्रामवासी ने जब सुने कि गोकर्ण महाराज आए हैं तो उनको मिलने के लिए आए, पर आकर देखे कि गोकर्ण महाराज खूब चिंतित है। गोकर्ण महाराज ने सूर्य देवता को तर्पण निवेदन किया, उनको प्रार्थना करने लगा, हे सूर्य देव, महाप्रेत का मुक्ति का उपाय मुझे कह दो। सूर्यदेव ने आदेश किया, श्रीमत् भागवतामृत सप्ताह वाचन कुरु। हे महाराज, महाप्रेत किया है, जितना भी पाप जुनी है, सबसे मुक्ति लाभ का एक ही उपाय है, श्रीमत् भागवतामृत का रूपी भगवत अनुष्ठान करो। सभी ग्रामवासी मिलित होकर भागवत कथा का आयोजन किए, व्यास मंच निर्माण हुआ, भागवत को स्थापन किया गया, तुलसी महारानी को स्थापन किया गया और स्वयं गोकर्ण महाराज ने व्यास मंच पर उपवेशन करके भागवत शुरू किया। सर्वाग्र एक आसन रखा गया और गोकर्ण ने पहले दंडकारी को आमंत्रण किया।
हे भैया, मैं अभी भागवत शुरू करता हूँ, आप कहाँ पे हो, कहाँ पे भी हो, आके यहाँ पर भागवत श्रवण करो। हाँ, क्योंकि आपका प्रेत जीवन से ही मुक्ति लाभ करने का एकमात्र उपाय यही है श्रीमद् भागवत श्रवण, तो इसलिए आप आकर इसको श्रवण करो। पर द्वंद्वकारी तो प्रेत रूप में था, शरीर नहीं था, तो इसलिए वहां पर कैसे बैठेगा? वो मंच पर डान साइड में, जो राइट साइड में एक सप्तगंठी समन्वित खम था, उसी खम में आकर बैठ गया। प्रथम दिन की बात समाप्त हुआ, खम का एक घंटी फट गया। ऐसे हर दिन एक एक घंटी फट गया। जो सप्तम दिन की कथा अंत हुआ, उसका घंट फट गया और एक दिव्य पुरुष निकल कर आया। गोकर्ण को प्रणाम निवेदन किया और भगवत धाम से एक सुंदर सा विमान आया, उसमें चढ़ करके द्वंद्वकारी ने वैकुंठ को गमन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोकर्ण महाराज ने रथ को रोक दिया और पूछा, ये क्या है, इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? तो द्वंद्वकारी ने कहा, देखो भैया, मैं तो वैकुंठ जाता हूं और ये तो सब आपका ही फल है, आपका ही आशीर्वाद है और भागवत का ही आशीर्वाद है। धन्य भगवती वर्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदम। इस श्रीमद् भागवत में जो आपने किया है, उसका ही फल है कि पाप कर्म करते 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 प्रेत जुनि लाभ करने से भी, प्रेत जुनि से भी मुक्ति लाभ हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। गोकर्ण ने पूछा, वैकुंठ में आए हुए जो दूतों को पूछा, ये आपने कैसे अन्याय कर रहे हो? अरे भागवत तो सारे श्रवण किए हैं, पर आप केवल द्वंद्वकारी को लेकर जा रहे हो। विश्वपार्श्वनाथ ने कहा, देखो कथा तो सारे ही सुने हैं, पर केवल बैठे ही थे। तो निष्ठा से श्रवण करने से ही केवल भागवत को प्रेत जुनि से क्या सारे पाप से मुक्त हो सकता है। आप पुनः भागवत कथा करो, सारे निष्ठा से श्रवण करें और सारे के लिए आ जाएगा। पुनश्च गोकर्ण महाराज ने एक भागवत कथा आयोजन किए, सारे निष्ठा के साथ उसे श्रवण किए और सप्तम दिन जब कथा के अंत हुआ, जो जयध्वनि शुरू हुआ, तो क्या हुआ, तो वहां पर जितना ही लोग श्रवण कर रहे थे, सबके लिए एक एक रथ आया और गोकर्ण के साथ सारे एक रथ पर बैठे और सारे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो रहा। श्री राम ने जैसा अपना सारे अयोध्यावासी को लेकर आपस गए, ऐसे ही गोकर्ण महाराज ने अपना सारे श्रोता के साथ वैकुंठ लोक चले गए। तो जैसे ये सब सुनते हुए नारद जी का ज्ञान उदय हुआ और नारद जी ने फिर सनत कुमार को कहे, ठीक है कि मैं भी भक्ति देवी के लिए और उनका ज्ञान बैरा के लिए भागवत कथा का आयोजन कर रहा हूँ, आप ही दास बनकर आओ। और जगह निरूपण किया गया, कहाँ पर, हरिद्वार पर भागवत कथा शुरू करने के लिए व्यास मंच बनाया गया और सारे संत, जिसको भी खबर मिला, सारे आकर बैठ कर खबर वो भागवत कथा श्रवण करने लगे। सनत कुमार ने भागवत कथा शुरुआत किया,
सारे बैठ करके बड़ी खुशी से बड़ी निष्ठा से श्रवण कर रहे हैं और सनत कुमार कथा कर रहे हैं। उसी समय भक्ति देवी आकर प्रकट हो गया, ज्ञान बैराग का भी वार्धक दूर हो गया। सनत कुमार कहे, भक्ति देवी तुम जाके सारे भक्तों का हृदय में बास करो। भक्ति देवी भक्त का हृदय में बास करने लगा। उच्च स्वर में कीर्तन आरंभ हुआ तो कीर्तन होते हुए प्रहलाद महाराज ने ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने करताल बजाने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाया, सनत कुमार ने जय हो जय हो जय हो कहने लगे, सारे नृत्य करने लगे। सारे नृत्य को देखते हुए भोलेनाथ भी पार्वती के साथ आकर नृत्य करने लगे। सुंदर संकीर्तन हुआ, श्रवण करते हुए भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर कहे, आप लोग सब वर मांग लीजिए मुझसे, क्या चाहिए आपको। तो सारे कहे, सनत कुमार के साथ सारे ने कहे, हे प्रभु जहां पर आपका कीर्तन होगा वहां पर आप प्रकट हो जाएंगे, सभी को आप सबका दर्शन देंगे। भगवान सभी को आशीर्वाद करके वहां से चले गए और सनत कुमार नारद जी को ये बात सुनाए हैं। ये सुखदेव ने परीक्षित महाराज को सुनाए हैं और संक्षिप्त में हम ये महात्मा श्रवण किया है। तो इसमें से हमको आया, भगवान के दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें तो हमारे सारे विषय छोड़ जाएगा और भगवान के श्री चरण कमर पर मत लग जाएगा। कोई कितना भी पापी तापी हो, जो भी हो, केवल भगवान के दिव्य नाम जपना चाहे, कीर्तन करना चाहे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, श्री राधे 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 घनश्याम राधे राधे, श्री राधे 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 घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। जय ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महात्मा की, सभी भक्तगण की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे।